आज जनपद सभागार में ग्राम पंचायतों में आगामी कार्यों की रूपरेखा कार्य योजना की ट्रेनिंग देने के लिए जनपद अध्यक्ष महोदय के द्वारा लाहार जनपद के सभी पंचायत के सरपंचों की बैठक बुलाई गई। यहां बैठक कार्य योजना की न होकर पार्टी की बैठक आयोजित की गई। इस पर आरोप लगाते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल ने कहा कि जनपद पंचायत कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में 24 तारीख को विकास कार्यों को लेकर सभी पंचायत के सरपंचों की कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जनपद पंचायत लाहार के अध्यक्ष मीना सिंह के पति मानवेंद्र सिंह उपस्थित थे। बैठक का संचालन एवं निर्वाही कर रहे थे, जबकि इस बैठक में जनपद अध्यक्ष मौजूद थी और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद था। ग्राम पंचायत के सरपंचों के द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया गया तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति के द्वारा धमकाया गया। खुलेआम धमकी दी कि हमारे अनुसार रहोगे तो सरपंची कर पाओगे। लोगों के द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय लाहार का कांग्रेस कार्यालय के रूप में दिया जा रहा है, जो शासकीय संस्था का दुरुपयोग है। शासन के निर्देशों की अवहेलना है, इसलिए संपूर्ण कार्यक्रम की जांच वरिष्ठ अधिकारियों को करनी चाहिए। दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इसके लिए एसडीएम लाहार आर ए प्रजापति को एक शिकायती आवेदन अपने लेटर पैड पर सौंपा और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर भिंड एवं जिला पंचायत सीईओ को भेजकर कार्यवाही की मांग की। जनपद पंचायत लाहार से एक पत्र जारी हुआ था सम्माननीय सरपंचों के, और उस पत्र में लिखा था कि कल दिनांक 24 को जनपद पंचायत के सभागार में सरपंचों की बैठक आहूत है और उस बैठक में विभागीय चर्चा होना लिखा है। इस बात को लेकर के जनपद के सभागार में माननीय जनपद अध्यक्ष महोदया के पति मानवेंद्र सिंह और फमोंटी और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष लाहार ब्लॉक के अध्यक्ष माननीय राजकुमार शर्मा मौल्य जी उस बैठक में उपस्थित हुए और बैठक का जो विषय था जिसमें विभागीय चर्चा होना था सरपंचों के साथ में, वो चर्चा न करते हुए उसमें केवल और केवल कांग्रेस के प्रचार की चर्चा की गई। उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो अभी 9000 से जीते थे उसको 25000 से जिताने के लिए उन सभी सरपंचों के ऊपर दबाव डाला गया। तो मेरा उस पत्र के माध्यम से प्रशासन को ये अवगत कराना है कि जो सरकारी संस्था है जनपद पंचायत, वो किसी दल विशेष की संस्था नहीं है और उसमें यदि दल विशेष की बैठकें होती हैं उसमें पार्टी जो सरपंच सभी पार्टियों के हैं और उन सभी सरपंचों को डराव धमका करके अपनी पार्टी के पक्ष में करना, जनपद पंचायत के सभागार में कांग्रेस की बैठक करवाना, ये एक अपने आप में तानाशाही है जो नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इसका अवगत कराने के लिए हम